हेलो दोस्तों, देखिए आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसको हम बहुत आसान विधि से आपको बताएंगे। तो पूरे अंत तक आप वीडियो को देखिएगा और बहुत छोटी वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चाहे इंटर के बच्चे हों, ट्वेल्थ के बच्चे हों या हाई स्कूल के बच्चे हों, सभी के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे और अवतल दर्पण में ही हम प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। तो हमारी वस्तु की स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसको बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे और वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पर देखिए यह वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र के इधर अनंत है और अनंत के ही बीच में हम एक वस्तु रखे हैं यहाँ पर, इसका नाम हम ए और बी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ए बी पी क्यू एम एन कुछ भी कर सकते हैं। यह वस्तु है, यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए हैं। सबसे पहले जब हम अनंत और वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, देखिए सबसे पहले एक मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष है जो, तो सबसे पहले इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी और इस अवतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो इस एरो को हम बना दिए हैं, तो यह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस से। एक नियम हमारा हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, वक्रता केंद्र से। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से निकलेगी और इस अवतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर, यह देखिए एरो बनाया, इसी माध्यम में फिर वक्रता केंद्र होते हुए इस ऑब्जेक्ट पे आएगी। देखिए ये प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, ए डैश पे एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर। तो यहीं पर एक हमारा प्यारा सा इमेज बनेगा जिसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे, यहीं पर हमारा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यह फिगर आपको बनाना है। एक छोटी सी बात इसमें आपको और लिखनी होती है कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बात को समझना है कि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो ये प्रतिबिंब आपका बना है, ये वाला प्रतिबिंब, यह देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो ये वाला भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से इमेज के माध्यम से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए वस्तु, देखिए मुख्य अक्ष से वस्तु को हम ऊपर रखे हैं, अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, नीचे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखिए वस्तु यहाँ पर बड़ी दिख रही है कि नहीं आपको, जब वस्तु यहाँ बड़ी दिख रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, इमेज, जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये फिगर था और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम नोट डाउन किए थे और आपको बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में इस फिगर को हम आपको बताएं। आप भी समझ गए होंगे, सभी विद्यार्थी इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, आप इसे नोट करिए। जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।